हुए। हमारे यहाँ एटा में, हमारे गांव में, औरतों में पूजा खूब चल रही है, खूब पूजा हो रही है। कौन सी पूजा? सारी अपे जी आपको बर्फी खबर भेजा है, खूब पूजा हो रही है। एक पूजा और भाई, एक ललिता पे 500 ग्राम जलेबी खा, इतनी पूजा भाई, इतनी पूजा भाई, जो कच कच खाए के भी मान लो परी गए। और सोचने वाली बात, एक ललिता पे आप अपने जलेबी खाएंगे एम काव के भाई दस बार आ, तो ऐसा नहीं है कि ना होते होते हैं। शायद किसी को ध्यान हो, याद हो, 10-11 साल हो गए इस बात को। ये तो पेपर में भी दिया था, हमारे एटा डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए, 5, और 4 पहले से मौजूद थे, अब कितने हो गए? 9। हम सोचते हैं ऐसी एकाता भगवान की ओर दया हुई तो अंधविश्वास। अभी 3-4 साल पहले की बात है, शायद घर वो बीमारी चली हो ना चली हो, वो एक छुट्टिया वाली बीमारी चली थी, औरतों की छुट्टियां काटी जा रही थी। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई, जब संध्या को सोती हती तो हेलमेट लगाए के सोत। तो मसरे हम साथी करे तो कन्हैया बोले बाबा, इसलिए हमारे समझ में नहीं आया कि कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। तो नंद बाबा भी बोले, श्याम समझ तो हम ही नहीं पाए, तुम क्या चाहते हो? तो कन्हैया कहते बाबा, हम तो वो चाहते हैं जिसमें सबका भला है। काय में भला है? बोले देखो, सबका मालिक एक है परमेश्वर, और उसी का सच्चा पूजन है। तो यहां देखो, अगर मतलब की बात करो तो हमारा मालिक कोई और है। कौन है? तो बोले बाबा सुनो, सबका मालिक एक है परमेश्वर। भैया अगर देखा तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन, जहां